नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संगीताश कॉर्नर में। आज मैं फिर से एक बिहार फेमस डिश लेके आई हूँ फ्रेंड्स। ये है दाल पिट्ठी की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल होती है लेकिन बहुत ही हेल्दी होती है। ये अपने आप में एक कंप्लीट मील होती है फ्रेंड्स, जिसे आप लंच या डिनर में बना के खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल होती है और बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही हेल्दी होती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है पूरी रेसिपी। आप पूरा देखेंगे जब भी आपको पसंद आएगा, और ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी। तो दाल पिट्ठी के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग दाल बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ आधा कप तुअर की दाल यानी अरहर की दाल ले लिया है। इसको अच्छे से हम लोग धो लेंगे 2-3 बार। तो धोने के बाद इसको हम लोग एक प्रेशर कुकर में डाल देते हैं इसे कुक होने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दाल डाला है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो पिट्ठी बनाएंगे यानी ढोकली बनाएंगे उसमें भी नमक जाएगा, और बाद में फिर हम लोग नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ आधा कप तुअर की दाल में मैंने यहाँ पे 1.5 कप, उसी कप से 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। अभी थोड़ा पानी कम ही डालेंगे, इसका जो कंसिस्टेंसी है उसको आगे हम लोग सेट करेंगे। थोड़ा और पानी मिलाना पड़ेगा आगे चल के। अब यहाँ पर कुकर का लिड बंद करते हैं और इसको हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। उसके बाद 6 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। दाल को बहुत अच्छे से गलाना है फ्रेंड्स। जब तक दाल कुक हो रहा है, जब तक हम लोग इसका आटा लगा लेते हैं पिट्ठी के लिए। तो यहाँ मैंने 1/3 कप आटा ले लिया है, गेहूं का आटा, जिससे हम लोग रेगुलर रोटी चपाती बनाते हैं। आटा ले लिया, इसके बाद इसमें हम लोग थोड़ी सी नमक डाल देंगे, मतलब 1/4 चम्मच जैसा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। घी डालने से पिट्ठी जो है बहुत सॉफ्ट बनता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे बिल्कुल 2 चुटकी जैसा अजवाइन डाल लेंगे। ये डाइजेस्टिव के लिए तो अच्छा होता है, इससे फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है पिट्ठी में। लेकिन जो पारंपरिक तरीके से पिट्ठी बनाई जाती थी ना, उसमें कुछ भी नहीं डलता था, सिर्फ आटा और थोड़ी सी नमक के साथ बनाते थे। बट इसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने घी और अजवाइन ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि लुक वाइज भी थोड़ी अच्छी लगे। अब थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल के हम लोग इसका बिल्कुल टाइट आटा लगाएंगे, जैसे हम लोग पूड़ी के लिए लगाते हैं ना थोड़ी सी टाइट, तो वैसे ही थोड़ा सा कड़ा आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए आटा यहाँ तैयार है। तो इसको चाहे तो आप रेस्ट कराएं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रही हूँ। थोड़ा सा इसको और मसल लेंगे कि आटा थोड़ा सा और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आटा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अब इसके हम लोगों को छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ आटा का, और 1 लोई ले रही हूँ। इससे हम बड़ा चपाती बनाएंगे। तो चपाती को बहुत पतला नहीं बनाना है, जैसे हम लोग रेगुलर रोटी या चपाती बनाते हैं ना वैसे नहीं, पराठा जैसे बनाते हैं, पराठा की जितनी मोटाई होती है ना उतनी मोटाई में बेल लेंगे इसको। और ये देखिए हमारी जो चपाती है वो रेडी है। तो इसकी मोटाई आप देख लीजिए एक बार, इससे ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है और इससे ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है, नहीं तो वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा फिर। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी ले रही हूँ इसको कट करने के लिए, ताकि सारी पिट्ठी जो है वो एक साइज़ के बन सके। आप कोई भी ग्लास या ढक्कन कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुकी कटर ले लें। और बाकी का जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल के हम लोग साइड में रख देंगे, उसका फिर से हम लोग सेकेंड टाइम में यूज कर लेंगे। अब देखिए मैं एक पूड़ी ले रही हूँ और इसको कैसे फोल्ड करना है आप ध्यान से देखिए। तो इस तरह से चारों तरफ से उठाना है, ये दोनों उंगलियों के हेल्प से, दोनों हाथों से इस तरह उठा के और बीच में बस लॉक कर देना है। तो ये जैसे फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं ना, वैसे 4 पेटल्स इसमें बनने चाहिए, और जो पेटल्स के अंदर जगह है ना वो खाली भी रहनी चाहिए, ऐसे होल जैसा, उसी में वो दाल घुसती है अंदर तक, तभी ये अच्छे से पकती भी और इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो बस इस तरह चारों तरफ से उठाना है, इसे बीच में लॉक करना है। एक बार मैं फिर से ध्यान से दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसे इसको बीच में अच्छे से सील कर देना है। यदि बीच में अच्छे से नहीं चिपकेगा तो वो दाल में पकते टाइम वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 पिट्ठी बना के तैयार किया है। अब मैं एक बार और से बनाती हूँ, यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो ऐसे चारों तरफ से उठाना है, बहुत ही आराम से बन जाता है, और बीच में बस चिपका देना है। ऐसे चारों तरफ से उठाया और बीच में चिपका दिया, ये देखिए। तो है ना बहुत आसान, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक में जाके और फिर से आप देख ले, तो आपको बहुत ही इजीली आ जाएगी, और आप 2-3 बनाएंगे तो आदत भी हो जाएगी। तो यहाँ हमारे सारे पिट्ठी भी रेडी है और यहाँ दाल भी अच्छे से पक गया है। तो दाल को यहाँ पे पक तो अच्छे से गया है, बट इसको थोड़े से मैश कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और पिट्ठी के लिए दाल जो बनती है ना वो गाढ़ी नहीं बनती है, पतली होती है और एकदम स्मूथ होती है।
तो ये देखिए मैंने इसको स्मूथ कर लिया है। अब इसको एक बाउल में निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ पिट्ठी और दाल दोनों रेडी है। तो अब इस रेसिपी के थर्ड स्टेज की तरफ चलते हैं, यानी फाइनल स्टेज की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई गरम कर लिया है। कढ़ाई जब गरम हो जाए तो मैं यहाँ 2 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। आप चाहें तो घी या रिफाइन ऑयल, जो भी आपको पसंद हो वो यूज कर सकते हैं। अब जब तेल गरम हो जाए तो मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा भुन जाए तब इसमें मैं 2 चुटकी जैसी हींग डालूंगी। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 2 लाल मिर्च के डालूंगी, थोड़े से कड़ी पत्ता डालूंगी। इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे हम लोग। और जब जीरा और मिर्ची अच्छे से भून जाए तब इसमें मैं 1 छोटे साइज का प्याज और 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल दिया है। अब इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। यदि आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। प्याज को अच्छे से भून लेना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश अदरक लहसुन को कद्दूकस करके ले लिया है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सबको हम लोगों को अच्छे से भून लेना है ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और भूनने के बाद यहाँ पे 1 टमाटर मीडियम साइज़ का बारीक काट के हम लोग इसमें डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसाले आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। जैसे दाल में तड़का लगाते हो तो मैं यहाँ पे 1 चुटकी जैसी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब 1/2 छोटा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। तो नमक ध्यान से डालना है क्योंकि हम लोगों ने आटे में भी डाला था और दाल में भी डाला था। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ। तो मसाला मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दाल का जो अपना फ्लेवर है वो मसालों के कारण कहीं चला ना जाए, इसलिए दाल में ज़्यादा मसाले मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। यदि आप मसाला ज़्यादा यूज करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग, जीरा पाउडर या फिर धनिया पाउडर और भी ज़्यादा। मैंने बहुत थोड़े थोड़े मसाले यूज किए। इन सबको अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स। और ढक के मैंने टमाटर को अच्छे से पका लिया है। तो ये देखिए टमाटर प्याज अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम लोग दाल जो कुक करके रखे थे ना उसको ऐड कर देंगे। दाल चूंकि बहुत गाढ़ा है फ्रेंड्स तो इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने पानी यहाँ पे डाल दिया है। दाल अभी पतला रहेगा तभी इसमें जो पिट्ठी है वो अच्छे से पक पाएगा और पकने के बाद जो दाल की कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हो पाएगी। तो यहाँ देखिए पानी को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। इसको ढक के हम लोग इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद ही इसमें पिट्ठी ऐड करेंगे, तभी जो हमारे पिट्ठी हैं वो परफेक्ट बनेगा। नहीं तो ठंडे दाल में आप डाल देंगे तो पिट्ठी सारे ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ऐसे जब उबाल आता रहे तभी सारे पिट्ठी को इसमें ऐड करेंगे। और अब मीडियम फ्लेम पे इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। और कुक होने के बाद सारी पिट्ठी जो है तैर के ऊपर आ जाएगी और साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 10 से 12 मिनट के बाद ये पिट्ठी सारे तैर तैर के ऊपर आ गए हैं और साइज़ में भी थोड़े बड़े हो गए हैं, यानी हमारे पिट्ठी जो है वो बिल्कुल पक के तैयार है। और बिल्कुल भी आपको ऐसा लग रहा होगा फ्रेंड्स कि ये आटा का बनता है तो चिपचिपा होगा या फिर दांत में चिपकेगा खाने में, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि इसमें हम लोग मोइन डालें, घी डाले हैं आटा में, तो बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर धनिया का हरा धनिया कटा हुआ मैंने डाल लिया है। और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं या फिर एक और तड़का लगा सकते हैं, बट मैं ऐसे ही इसको सर्व कर रही हूँ। तो ये लीजिए हमारा जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से दाल पिट्ठी, दाल ढोकली बनके रेडी है फ्रेंड्स। तो इसे मैं एक बाउल में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको एकदम गर्मा गर्म सर्व करें। इसे आप अचार, पापड़ या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये अपने आप में एक कंप्लीट मील होता है। बच्चों को आप बना के दे सकते हो जब आपको ज़्यादा कुछ नहीं बनाने का मन हो। और मैं यहाँ एक आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट होता है। बिल्कुल माउथ मेल्टिंग पिट्ठी बन के रेडी हुई है फ्रेंड्स। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।